हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बहुत ही इजी समर कूलर बनाएंगे, वाटरमेलन स्लश, या आप वाटरमेलन स्लश ब्रेन्स फ्रीज भी बोल सकते हैं। बहुत ही ठंडा होता है, गर्मी के सीज़न में ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में पर बहुत ही टेम्पटिंग ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी रेसिपी है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ करीब हाफ तरबूज, जो मीडियम 2.5 से 3 किलो का आता है, उसमें से मैंने हाफ तरबूज ले लिया है, तो उसके सारे पीसेस निकाल के ले लूँगी। और उस मिक्सर जार में अब मैं इसमें डाली हूँ 3 चम्मच शुगर। आप अपने तरबूज के मीठेपन के अकॉर्डिंग शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 चम्मच ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डाली हूँ करीब 8 से 10 मिंट के पत्ते, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। और इसको हम अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, और इसको हम छान लेंगे छलनी से, ताकि इसके जो बीज है या कोई भी रेसिड्यूज जो बच गए हैं वो सब अच्छे से छलनी में छान के आ जाए, और हमारा जो जूस है वो एकदम प्लेन निकले, कुछ इस तरह से। बहुत ही अच्छे से हम इसको छान लेंगे, और ये देखिए काफ़ी बीज वगैरह हैं जो निकाल लिए हैं मैंने, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 नींबू। नींबू का हल्का सा खट्टापन बहुत ही अच्छा लगता है, इसको एकदम और रिफ्रेशिंग बना देता है ड्रिंक को, तो मैं वो डाल दूँगी और उसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब यहाँ पर एक एयरटाइट कंटेनर में मैं इसको ले लूँगी, जूस को पूरा डाल दूँगी। आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं, यहाँ आप कोई से भी कंटेनर में इसको डाल सकते हैं। और इसको अब हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रख देंगे करीब 7 to 8 आवर्स, या तो बेस्ट है आप ओवरनाइट इसको रख दीजिए। और ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था, बहुत ही अच्छे से फ्रीज हो चुका। और इसको हम एक फोर्क की हेल्प से इस तरह से निकालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे वाटरमेलन जूस के, और यही हमें चाहिए। और इसको मैं एक स्कूपर या एक चम्मच की हेल्प से आप एक बाउल में ले लीजिए, और टेस्टी ठंडा ठंडा वाटरमेलन स्लश ग्रीन फ्रीज रेडी है। बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, बहुत ही ठंडा रहता है, तो और भी मज़ा आता है गर्मियों के सीज़न में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।